simple, but before to discuss simple sentence, first of all, you should learn about the definition of simple sentence, about the definition of sentence. Sentence kya cheez hai? Sentence is a combination of words which have a complete sense. Sentence is a combination of words which gives या which have a complete sense. यानी जो मुकम्मल फिक्रा, जिसको उर्दू में फिक्रा कहते हैं, फिक्रा ऐसा अल्फाज का मजमूआ होता है जो मुकम्मल मतलब देता हो, जो क्या करता हो, जो मुकम्मल मतलब देता हो. और एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. सेंटेंस है टू पार्ट्स. सेंटेंस है टू पार्ट्स. यानी अगर हम एक सेंटेंस ले लें तो इसके दो हिस्से हैं. एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट. दूसरे को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. What is subject? Any sentence के दो हिस्से हैं. एक subject कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? Predicate कहलाता है. Predicate. Subject क्या होता है? Subject is a word about something is said. Subject वो लफ्ज है जिसके बारे में कोई बात बयान होती है. फिक्री का अंदर. यानी फिक्री के अंदर जो बात होती है वो subject के बारे में है. Subject may be a thing or a person. ये subject की जगह कोई चीज का नाम भी हो सकता है या person. पर्सन का नाम हो सकता है, शख्स का नाम भी हो सकता है. तो मसल यहाँ पे एक फिक्रा मैं लेता हूँ. बर्ड्स फ्लाइंग. तो यहाँ बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है. ये बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट. यानी बर्ड्स के बारे में वो बयान होती है कि ये बर्ड्स परिंदे उड़ते हैं. और प्रेडिकेट क्या चीज है? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट समथिंग इज सेड. सब्जेक्ट की डिफिनेशन हम यू कर सकते हैं. सब्जेक्ट इज अ वर्ड डिनोटिंग बाय अ थिंग आर थिंग्स आर पर्सन अबाउट विच समथिंग इज सेड. सब्जेक्ट वो लफ्ज होता है जिसके बारे में फिक्री के अंदर कोई बात बयान होती है. जिसके बारे में फिक्री के अंदर क्या होती है? कोई बात बयान होती है. और दूसरी तरफ इस एक सेंटेंस की दो बड़े हिस्से, एक सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वो लफ्ज होता है जो फिक्री की शुरू में भी आता है. और सब्जेक्ट की डिफिनेशन ये है कि एक ऐसा लफ्ज जो या तो चीज की सूरत में होता है या शख्स की सूरत में होता है, लेकिन इसके बारे में बात बयान होती है. और प्रेडिकेट क्या चीज है? प्रेडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. प्रेडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या प्रेडिकेट इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच या द नैरेटिव अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. या द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दो तीन डेफिनेशन आप कर सकते हैं. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which says something about the subject is called predicate. या the narrative about the subject. यानी subject के बारे में जो बात बयान हो गई हो उसको क्या कहते हैं? उसको predicate. मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और फिक्रा लिखूं, ये थोड़ा सा मैं हटा लेता हूं, ये फिक्रा ले ले. Birds now I eat apples. I eat apples. तो ये जो बात, ये subject है, इसके बारे में बात हुई है. जिसके बारे में बात होती है वो subject होता है. Subject is a word about something इसे, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है. तो ये कौन सी बात सब्जेक्ट के बारे में कही गई है? कि वो से
का क्या है? मैं इसे खाता हूं, यानी मेरे बारे में ये बात बयान हो रही है कि मैं इसे खाता हूं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको आप क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, यानी जिसके बारे में कही गई हो सब्जेक्ट, जो बात कही गई है। जरूरी कि हर एक फिक्र में एक जैसा फिक्र, एक वर्ड जैसी बात हो गई हो। मिनी सेंटेंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थीम, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन हैज बीन शोन इन द सेंटेंस। सो इन दिस पर्टिकुलर केस सब्जेक्ट इट, सब्जेक्ट इज आई एंड इट सेल्फ इज द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या चीज है? मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन ली थी, सब्जेक्ट इज द वर्ड डिनोटेड बाय अ थिंग or things or person about which something is said। तो ये जो है ना, एक चीज का नाम भी हो सकता है, एक शख्स का नाम भी हो सकता है। मसलन मैं कह सकता अखिल एक टैंक है, एक चीज है, एक पर्सन है, यानी कि लिविंग थिंग है। मैं किसी जानवर के बारे में कह सकता हूँ, मैं किसी चीज का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, बाकी इसकी सिंपल सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, और टॉपिक इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या चीज है? तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये तो जनरल बातें हैं। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने कर ली। अब जो है सिंपल सेंटेंस की मैं वो करना चाहता हूं। ए सेंटेंस है थ्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये मैं पहले लिखना चाहता हूं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स में तकसीम किए जा सकते हैं। एक अगर हम ले लें तो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा जो है ना वो है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कम सिंपल सेंटेंस। The rest of the sentences will be discussed gradually on some other days। तो यहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। आपको सिर्फ मैंने दिखा दिया कि there are three types of sentences on the basis of the structure, not on the basis of the function। ये बनावट के लिहाज से, बनावट के लिहाज से फिक्री की तीन किस्में हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक व्हिच इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, जिसका सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल प्रेडिकेट। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? What is a simple sentence? ये सवाल आपसे दिया गया। तो इसका डिफिनिशन ये है, डिफिनिशन हम इसका यू कर सकते हैं, a sentence which have single subject and which is a single subject and a single predicate is called a sentence। A sentence which is a single subject and only one predicate, ये भी लिख सकते हैं, and only one predicate is called simple sentence। A simple sentence।
बात समझ में आ रही? यस सर। अब मैं एक लिखना लिखना चाहता हूं तो उसमें आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट इसमें एक है और बीडी के एक है, तो लिहाजा ये फिक्रा सिंपल है। बर्ड्स फ्लाई, ये एक सेंटेंस है, इसमें बर्ड्स एक है या बहुत ना, एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट, लिहाजा ये सब्जेक्ट है परिंदों के बारे में, लिहाजा एक सब्जेक्ट, लिहाजा ये सिंपल सेंटेंस। और प्रेडिकेट भी, प्रेडिकेट का कैसे पता चलेगा तुम्हें कि प्रेडिकेट है? प्रेडिकेट का पता आपसे वर्ब से चलेगा। वर्ब एक ऐसा चीज है जैसे कि रूह है, वर्ब के बगैर फिक्रा बन नहीं सकता। तो किस इस तरफ अल्फाज ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से मेन जो फिक्री में अगर वर्ब एक इस्तेमाल हुआ तो समझ लीजिए प्रेडिकेट एक इस्तेमाल हुआ। ये चीजें, ये फिक्रा मैं बढ़ा सकता हूँ आगे पीछे, बस ये फिक्रा मैं यूं लिख सकता हूँ, माई वर्ड्स fly in the air, ये सारा predicate कर रहा था। ये जो है ये verb, ये सारा सिना ये subject है, क्या चीज है? subject। लेकिन इनमें से एक चीज जो है जिसको word of subject कहते हैं, word जो है ये लाजमी लफ्ज है, ये word of लफ्ज है, इसको क्या कहते हैं? ये जो my external है, जो मेरे पर है, तो इसको हम कहते हैं enlargement of subject। इसको हम क्या कहते हैं? enlargement। ये अल्फाज आगे पीछे मैं ले लगा सकता हूं, लेकिन इनमें से अगर मैं ये लफ्ज निकाल पाया करूं, my fly in the air, तो कोई मतलब है my fly in the air, my birds fly in the air, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि birds अगर निकाला जाए तो इसको word of the subject कहते हैं। word of the subject जरूरी है इसकी तारीख में या आगे पीछे इसकी वजाहत में अल्फाज आ सकते हैं। तो इनको ग्रामर के जुबान में हम इसको क्या कह सकते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। इसमें वर्ड जो है वर्ड ऑफ सब्जेक्ट है और माई जो है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। माई ब्यूटीफुल बर्ड्स, बस क्या मैं इसके साथ एक और लफ्ज लगाना चाहता हूं, माई ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो माई के साथ मैंने ब्यूटीफुल कर, लेकिन ब्यूटीफुल बर्ड्स जो है इसमें वर्ड ऑफ सब्जेक्ट है और माई ब्यूटीफुल इसके साथ एनलार्जमेंट, ये इजाफा हुआ है। या मैं कह सकता हूं द बर्ड ऑफ माई फ्रेंड फ्लाई इन द एयर, उस तरफ पीछे लगाना चाहता हूं, मतलब द बर्ड ऑफ माई फ्रेंड यू फिर का मैं लगाना चाहता हूं। तुम जरा इसको ध्यान दो तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट के आगे पीछे का, द बर्ड ऑफ द बर्ड्स ऑफ माई फ्रेंड फ्लाई इन द एयर। अब देखिए ये सारा जो है यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, अब देखिए सब्जेक्ट गलत ना हो जाएंगे, उधर एक लफ्ज मैंने बर्ड फ्लाई का सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट है, लेकिन इनमें से बर्ड्स वर्ड ऑफ सब्जेक्ट है। बर्ड्स क्या है? ये बाकी जो फालतू अल्फाज है उसको एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, क्यों? क्या अगर ये लफ्ज ना हो तो बाकी कुछ नहीं कर सकते। द माई फ्रेंड फ्लाई इन द एयर तो कुछ नहीं है, द माई फ्रेंड आपके दोस्त का क्या जब बर्ड निकल गया, लेकिन अगर कहते बर्ड्स ऑफ माई फ्रेंड फ्लाइंग है तो परिंदे मेरे दोस्त के ऊपर उड़ते हैं, हवा में, हवा में उड़ते हैं, उड़ते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फाज जो है वन टू थ्री फोर, ये चार अल्फाज जो है, दिस फोर वर्ड्स आर पार्ट एलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, दिस द वर्ड इज कॉल्ड, द वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड, या वर्ड ऑफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड, the rest of the sentence is called predicate, predicate। लेकिन predicate में word अगर एक आया है तो समझ लो कि एक single predicate है, और single predicate जो आप पता verb से चलता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक verb आया है, लिहाजा इस में क्या हम कह सकते हैं इसको, वो कह सकते हैं कि ये single predicate है, लिहाजा single predicate की वजह से फिक्र क्या है, सिंपल है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, तो मैंने एनलार्जमेंट के बारे में तो बताया, अब मैं जरा आपको ये बताना चाहता हूं कि बात ये जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब बताया, और सब्जेक्ट अमूमन जो होता है, सब्जेक्ट का हमें पता कैसे चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा लफ्ज है? सब्जेक्ट का पता इस तरह चलता है कि अगर हम हु का जवाब तलाश करें या व्हाट का जवाब तलाश करें, व्हाट लाइक बर्ड्स फ्लाई, व्हाट फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो इसका मतलब है कि बर्ड सब्जेक्ट है,
बाकी अल्फाज का नाम नहीं लेते। मसलन अगर मैं कहता हूं आई ईट आई एट एप्पल्स, मैंने सेब खाया। अब देखते विच हु एट एप्पल्स, आई एट। तो लिहाजा हु की जगह आई का लफ्ज जो है ना, जो आपने जवाब देना है वो क्या है, आपको सब्जेक्ट की निशानदेही करता है। सब्जेक्ट की क्या करता है, निशानदेही करता है। अब हम आते हैं बाकी उसकी तरफ, यानी प्रेडिकेट में जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसके, मैंने तो बताया कि इसमें वर्ब बहुत जरूरी है, लेकिन वर्ब बास ऐसे होते हैं कि बास वर्ब जो है ट्रांसिटिव होते हैं और बास जो है इंट्रांसिटिव होते हैं, ये बात समझ आनी चाहिए। अब प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वर्ब होता है। वर्ब की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ब इज नथिंग बट इट इज अ वर्ड which shows action, word is a word which shows action. जो अमल जाहिर करता है उसको फील करता है, वैसे खाने वाला काम, लिखने वाला काम, दौड़ने वाला काम, ये सारे एक्शन किसी न किसी वर्ड को कोई ना कोई काम जाहिर करता है, एक्शन जाहिर करता है। लेकिन वर्ड के फिर क्या होते हैं, दो किस्में होती हैं। एक वर्ड जो होता है इसकी दो किस्में हो सकते हैं, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, और एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, ट्रांजिटिव। एक ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट, इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, फिक्रा वर्ब पे कंप्लीट हो जाता है। एक वर्ब जो है मुकम्मल मतलब देता है, मिसाल के तौर पर इस वर्ब में इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मफूल की जरूरत होती है, जिसको मैं उर्दू क्या कहते हैं, इट इज मफूल, इट नीड्स, इट डज नॉट नीड्स ऑफ नीड ऑब्जेक्ट, एंड ट्रांजिटिव वर्ब नीड और ऑब्जेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्लीट सेंस, मुकम्मल मतलब पैदा करने के लिए उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इट नीड्स ऑब्जेक्ट। तो बाज़ अल्फाज़ ऐसे भी हैं, बाज़ वर्ब ऐसे हैं जिसको दो ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, एक पर उसका गुजारा नहीं होता, दो की जरूरत होती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इन ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं दिस वीरन वीरन हम भागते हैं, तो ये रन जो है क्या है, ये इन ट्रांजिटिव और इसकी इस तरफ दूसरी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन या दिस वीक, दिस वीक, इसके लिए लोग सोते हैं बस, जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं ये फिक्रा, ये क्यों है, ये दोनों जो है ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब, ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं ये कहूं वी प्ले, तो एक सवाल पैदा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये मतलब पूरा नहीं देते जब तक कि मैं क्रिकेट न लेतू या हॉकी न लेतू, वी प्ले हॉकी, तो यहां मतलब यही कि हॉकी ऑब्जेक्ट है, और इस वजह से ये फिक्री के अंदर ही प्रेडिकेट तो सारा ऐसा है, लेकिन इस वर्ब में के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी जो मैंने हॉकी लगाया, या मतलब ही ईट्स अमेंगो। अब अगर मैं यहां फिक्रा इधर छोड़ू, ही ईट्स वो खाता है, तो आपकी सेहत में सवाल पैदा होता है, किससे ले रहा है, व्हाट ही ईट्स, अनलेस यू हैव मेंशन द नेम ऑफ अमेंगो, द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। When you want to clarify the sense of the sentence, you will use an object in the sentence. So this particular sentence, he eats a mango, he is the subject, this is called predicate,
And here is the main things in the predicate part is the verb. Without verb, a sentence cannot be made, बनाया नहीं जा सकता. It is just like a soul of the sentence. ये जैसे कि एक soul होता है, फिक्र का एक रूह होता है. और here is amigo, it is a object. इसको क्या कहते हैं? Object. अब बाद शुद्धास वर्ब जो है दो वर्ब मानते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से भी गुजारा नहीं होता. जैसे कि गिव, ही गिव मी, ही गिव मी अ बुक. अब मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बाकी बात इंशाल्लाह बाद में होगी किसी और उसमें, कि सेंटेंस में वर्ब और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बगैर भी वर्ब. एक ऐसा फिक्र भी हो सकता है जो सिर्फ वर्ब पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर फिक्र बन नहीं सकता. ऑब्जेक्ट इंट्रान्सिटिव वर्ब के साथ जरूरी नहीं है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जरूरी है, ताकि वो फिक्र का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए. अब मैं दोबारा इसको उसका रिवीजन करना चाहता हूँ, रिवाइज द होल टॉपिक वंस अगेन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लिसन टुडे, व्हाट यू हैव learn today. Simple sentence is a sentence which have a single subject, which have only one subject and one predicate. Number one. Number two, how we will know that the subject is one? It is very clear. If the sentence is referring toward a single subject, then we can say that it is a simple one, a single subject. How we can even understand that the predicate is a one, it is not two, there are two predicate, no two predicate, there is single predicate. Single predicate can be recognized from the verb. If there is a single verb in the sentence, we can say that there is single predicate. When there is a single predicate and single object, the sentence is called simple sentence. The main thing in the predicate is a verb. The verb is the main thing in the predicate. You cannot make a sentence without a verb. Some verb which needs object, they are called transitive verb. And those verb which do not need object are called जिसकी मिसाल मैंने दी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. टुमारो आवर डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स इन दिस क्लास. इसके समय में आपको आ गए यस सर.